नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं और इसको लेकर पूरी ताकत सीएम नीतीश कुमार ने झोंक दी है। बात अगर हम करें तो यूपी विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और अब अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव होंगे तो जेडीयू अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये प्लानिंग सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर औपचारिक जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद ललन सिंह ने दी है। ऐसे में क्या कुछ खबर सामने आ रही है और जेडीयू की आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए बिहार के बाहर जहां भी संभावना नजर आ रही है, जेडीयू वहां अपने पैर जमाने की कोशिश में जुट गया है। इसी कड़ी में जेडीयू ने मिशन यूपी पर काम करना शुरू किया है। साथ ही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से लड़ने का फैसला भी लिया है। यूपी के दौरे पर गए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात की घोषणा की है। दरअसल प्रखर समाजवादी नेता और मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सत्येंद्र पटेल को जेडीयू में शामिल कराने और संगठन के विस्तार के लिए यूपी पहुंचे ललन सिंह ने समागम सम्मेलन में सत्येंद्र पटेल और उनके हजारों समर्थकों को जेडीयू में शामिल करवाया है। इस अवसर पर ललन सिंह ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि यदि जेडीयू ने साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा होता तो यूपी में मजबूत पार्टी होकर उभरती, लेकिन हमसे भूल हुई कि हम उस समय यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जेडीयू 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में लड़ी थी। चुनाव में हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन इससे पार्टी और संगठन दोनों को ही फायदा होता है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है और नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो विकास के काम किए हैं उसकी चर्चा देश भर में होती है। बिहार और यूपी पड़ोसी राज्य है, इस लिहाज से दोनों का एक खास रिश्ता है। यूपी के लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि यूपी में साल 2017 में ही जेडीयू को विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए था। हालांकि ये हमसे गलती हुई, जिसका अफसोस भी ललन सिंह ने जाहिर किया। लेकिन बात करें तो अब आगे जितने भी चुनाव होंगे उसमें जेडीयू अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और ये फैसला सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया है ताकि जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई जा सके और जेडीयू और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरे। यानी कि सीधी सीधी टक्कर आगे आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच देखने को मिल सकती है और यही रणनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सेट की गई है। देखने वाली बात होती है कि अपनी इस चाल में सीएम नीतीश कुमार कितने सफल होते हैं और बीजेपी को कितना टक्कर दे पाते हैं सीएम नीतीश कुमार अपनी जेडीयू के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।